कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। एक बार देख लीजिए आप लोग मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। जी सर देख पा रहे हैं। मैं दिख रहा हूँ ठीक ठाक दिख रहा हूँ ना? नहाया धोया? हाँ सर जी सर। हाँ नहा धोया, शाम को नहा धो के आते हैं। और मैं जो लिख रहा हूँ ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर। ठीक है वेरी गुड। दो चार लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्वाइन करा रहे हैं उनको। आपत्ति तो नहीं आप लोगों को उनके ज्वाइनिंग में? वो तो बता दीजिएगा, हाथ खड़ा कीजिएगा। चलिए मैं सबसे पहले एक फोटो साझा करता हूँ और हिंदी से शुरू करूंगा अंग्रेजी से समाप्त करूंगा। क्या चाहते हैं आप लोग बताइए। सर हिंदी शुरुआत कीजिए। हिंदी से करें या उससे करें, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी से? यू मस्ट ग्रांट परमिशन। अब परमिशन कैसे दें, इसमें बड़ा गोलमाल है। परमिशन कहाँ से दिया जाता है? कैमरा माइक्रोफोन सेटिंग में जाकर। सेटिंग में जाकर आगे सेटिंग में जाकर सर ऑप्शन चुनें। हाँ देखता हूँ चेंज लेआउट। ये नया फोन है ना, थोड़ा सा वो हूँ मैं, टेक्निकली ओवर स्मार्ट हूँ। ठीक है तो देख पा रहे हैं आप लोग ना? देखता हूँ स्क्रीन शेयर कर, या फिर मैं आप लोगों को बोल दूँ आप लोग नोट करेंगे। कहाँ शुरू किया जाए सर? बोर्ड पे थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। मैं लिखता हूँ बोर्ड पे लिखता हूँ और ठीक है मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर उस पर बात करेंगे। और दो दो स्क्रीन चालू नहीं रखना है। देखिए सबसे पहले मैं प्रश्न ही लिखता हूँ। देखिए ये प्रश्न कहता है मानव जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य, जहां तक देख पा रहे हैं वहां बताइएगा उद्देश्य। हाँ बोलिए। पूरा बोर्ड दिख रहा है सर? पूरा दिख रहा है ना? मैं एक बार पीछे से देख लूं। जी सर दिख रहा है पूरा। ठीक है दिख रहा है वेरी गुड। मानव जीवन का उद्देश्य आगे लिखिए, ये पहला वाक्य है। इसमें हम आते हैं एक नंबर। एक नंबर कहता है कि जपने वाले नहीं सॉरी कराते हैं मित्रों से उपाय पारमार्थिक भाव से। उपाय पारमार्थिक भाव से। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। तो मैं जो बोल रहा हूँ सुन पा रही है कि नहीं? जी सर सुन पा रही है। हाँ या नहीं? तो मैं बोलता हूँ आप लोग नोट करिए फिर। ठीक है मैं बोलता हूँ नोट करिए। मानव जीवन का उद्देश्य अभी क्लियर है क्या? देखिए जी सर अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ मानव जीवन का उद्देश्य उपाय पारमार्थिक भाव से। हाँ बोलिए। और उसकी सिद्धि लिखते चलिएगा, मैं बोलता नहीं चल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही थी आवाज किसी में? आ रही है सर क्लियर है। ठीक है थर्ड ये करिए। और उसकी सिद्धि का, और उसकी सिद्धि का अगला कहता है आत्मदर्शन है। ये लिख लीजिए फिर समझ में आएगा कि कैसे हम लोग जंबल सेंटेंस करते हैं। एक दो तीन और मुख्य एवं एकमात्र। इस वाक्य को आप लोग जरा सजाइए। आप लोग पढ़ पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं ना, बोर्ड देख पा रहे हैं ना? मैंने लिखा है मानव जीवन का उद्देश्य उपाय पारमार्थिक भाव से और उसकी सिद्धि का आत्मदर्शन है। ठीक है आप लोग देख पा रहे हैं तो इसको सजाइए फटाफट।
सर पहले चार होगा फिर एक दो तीन होगा। एक मिनट अपने मन में रखिए आप लोग, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। जैसे इसमें पहला ऑप्शन देता हूँ मैं, ऑफ कर लीजिए, अगर मुझसे बात ना करिए तो इसी पर ऑफ कर लीजिए। देखिए सर थोड़ा नीचे देखिए सर, दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन, अभी ऊपर कर दे रहा हूँ, एक मिनट ऊपर करता हूँ। दिक्कत क्या है ना, लोग आराम से चाय पीते हुए आते हैं, वो दिक्कत। सर आपके दर्शन के बाद क्या लिखे है सर? एक मिनट रुक जाइए, आत्मदर्शन है। हाँ आत्मदर्शन है, उसके बाद मानव हाँ, जीवन का उद्देश्य उपाय परमार्जित भाव और मानव जीवन का उद्देश्य उपाय पारमार्थिक भाव हाँ, से और उसकी हाँ, सिद्धि का आत्मदर्शन है मुख्य हाँ, एवं एकमात्र। इसको आप लोग हल करने का प्रयास करें, मुख्य एवं एकमात्र। हाँ जी सर, उत्तर होगा 2 4 1 3। देखिए एक तो मैंने विकल्प दिया आपको 3 2 4 1, दूसरा विकल्प अगर मैं दूं तो नीचे दिख रहा है, नीचे अगर लिखूं तो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ 1 2 3 4 साथ यारो लवो भी लिखा हूँ। एक विकल्प ये दिया रॉ लॉ वो योर, ठीक है, दूसरा दिया वो योर लॉ। हाँ ऊपर नहीं, क्या बोले सर? ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए दिख नहीं ऊपर बोलना, ऊपर दिख नहीं रहा। एक मिनट अभी ऊपर करता हूँ, ये माइक ऊपर करता हूँ, ये गया, हाँ छक्का लगा, अब दिख रहा होगा, ऊपर नीचे सब दिख रहा है ना, हल्का साइड पे सर, साइड पे लिख देंगे अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करिए आप लोग। कोई लाइट ऑफ करो तो साफ हुआ गया, देखिएगा साफ हुआ नहीं, खराब हो गया, ठीक है, नहीं सही है। चलिए तब फिर यहाँ हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने चार वाक्य लिखा है, मैंने लिखा है मानव जीवन का उद्देश्य, ये पहला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जो वाक्य है ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आता है उपाय पारमार्थिक भाव से और उसकी सिद्धि का आत्मदर्शन है मुख्य एवं एकमात्र। आप लोगों ने डायरी में लिख लिया या नहीं लिखा? इसको लिख लिया या नहीं लिखा है? तो मैं इसको ढक सकता हूँ, मैं इसको ढक सकता हूँ, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखिए इसमें जो चारों वाक्य हैं, इसमें कौन सा वाक्य पहले आएगा बताइए, बोलिए कौन सा आना चाहिए आपके अनुसार, कौन सा आना चाहिए? देखिए सबसे पहले, देखिए सबसे पहले आप प्रश्न करेंगे, मानव जीवन का उद्देश्य लिखा हुआ है ना, तो आपको प्रश्न पूछना है क्या, क्या क्यों और कैसे, ये तीन चीज जरूर आप लोग पूछिएगा जब ऐसा रहे, क्या क्यों और कैसे, ये क्रम होगा। अब मानव जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, आत्मदर्शन उपाय पारमार्थिक भाव से या फिर मुख्य एवं एकमात्र, कहाँ क्या होना चाहिए बोलिए। तो सबसे पहले मानव जीवन का उद्देश्य मुझे लगता है, उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य है आत्मदर्शन, ये पहला विकल्प होना चाहिए मेरे विचार से। आप लोग क्या कहते हैं? र होगा ना? ल सर। र कैसे होगा बताइए सर, फिर तो वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है, वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है, चलिए प्रयास करते हैं, एक हिट एंड ट्रायल। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, एक मिनट, र जो लोग कहते हैं मानव जीवन का उद्देश्य और उसकी सिद्धि का, आप ये कहना चाह रहे हैं जी, आपके अनुसार ये र आएगा, वेरी गुड। र के बाद क्या आएगा, रॉ के बाद क्या आएगा, एकमात्र उपाय, चार नंबर मुख्य और नंबर आएगा सर, लगाते जाइए, र के बाद आप कह रहे हैं वो आएगा, वेरी गुड, और मुख्य एवं एकमात्र, बहुत अच्छा, ये आपने कहा ये र एक आएगा, वेरी गुड, उसके बाद आपने कहा ये दो आएगा, बहुत सुंदर, और तीसरा क्या आएगा, एक नंबर उपाय, एक नंबर ये आएगा, ये तीसरा आएगा, वेरी गुड, और ये चौथा क्या बचा, आत्मदर्शन,
वेरी गुड, जरा आप इसको पूरा पढ़ के सुनाइए आप हमें। आपने कहा मानव जीवन का उद्देश्य और उसकी सिद्धि का ठीक है मुख्य एवं एकमात्र उपाय पारमार्थिक भाव से आत्मदर्शन है, आपने ऐसा बताया ना, सही जम रहा है क्या? सर नहीं जम रहा है, बट हाँ जिन्होंने बनाए वो जरा बताएं। सर जम नहीं रहा है, बट वो जो उपाय और पार्थिव भाव से, सर जब सेंटेंस खत्म हो जा रहा है ना उपाय और पार्थिव भाव से, तो उसके बाद लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए, तो इसलिए वो क्वेश्चन मार्क रह जा रहा है, इसलिए स्पेस रह जाता है। तो जिन्होंने बताया मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो बताएं वो क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय में, जिन साहब ने बोला है कि ऐसे होगा वो बताएं, फिर मैं आपको सूत्र बताऊंगा इसका। देखिए इसमें कोई ऐसी बेइज्जती वाली बात नहीं है, आपको जो लगता है, चूंकि हम सीखने आए हैं, ये मत सोचिए कि बताने से मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है? बताइए आपने कैसे तुक्का मारा सर, हम बोले हाँ नहीं, जिन्होंने ये क्रम बताया वो बताएंगे, मैं चूंकि बोर्ड पे नहीं दे पा रहा हूँ कैमरे में, ये क्रम जिन्होंने बताया है 3-1-4-2 वो मुझे बताएंगे कि उन्होंने किस आधार पे इसको चुना है, बताइए। अरे कुछ तो आधार आप लोगों ने सोचा होगा ना, नहीं बताएंगे सर? मानव जीवन को सिद्ध किया जाता है क्या? देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ आपको एक उपाय बताया, सबसे पहला उपाय मैंने आपको ये बताया था कि आप प्रश्न करेंगे उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का जो उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आत्मदर्शन है, ये पूरा का पूरा पहले थोड़ी दूसरे ढंग से समझते, इसको मैं मिटा दूं या रहने दूं? रुकिए कैमरा दूसरी ओर फेस करता हूं। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फिर से पुरानी बातें याद दिलाता हूं, वाक्य संरचना आप लोगों ने पढ़ा है हाँ या ना? जी सर पढ़ा है सर। वाक्य संरचना में आप लोगों ने पढ़ा है सरल वाक्य पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कितने तरह के वाक्य हैं? सरल है, सरल संयुक्त है या नहीं है? और मिश्र, तीन तरह के वाक्य हैं, ठीक है। सरल वाक्य का मतलब हुआ है, अब थोड़ा सा मैं और आगे ले चलता हूँ आपको, मैंने आप लोगों को अंग्रेजी का क्लॉज एक बार बताया था, याद है कि नहीं? अंग्रेजी, चूंकि अंग्रेजी आप लोग ज्यादा जानते हैं वहां शुरू करते हैं, अंग्रेजी का क्लॉज मैंने बताया था हाँ या ना? हाँ सर वाच्य, ठीक है वाच्य, हे प्रभु मैं क्लॉज बता रहा हूँ आपको वाच्य दिख रहा है घड़ी। देखिए क्लॉज मैंने आपको बताया था और इसमें मैंने बताया था एक डिपेंडेंट बच्चा होता है और एक नॉन डिपेंडेंट, ऐसे करके मैंने बताया था। क्या बताया था? ये जो नॉन डिपेंडेंट है इसको मैंने बताया था प्रिंसिपल क्लॉज और ये जो डिपेंडेंट है इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज, याद है कि नहीं? याद है, नहीं याद है तो आप लोगों ने अंग्रेजी व्याकरण में इसको पढ़ा भी होगा, पढ़ा या नहीं पढ़ा है? हाँ ठीक है। अब ये जो दो क्लॉज मैंने बताया, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है कि वाक्य का ऐसा खंड इसको प्रधान उपवाक्य बोलते हैं, ठीक है, और इसको सबॉर्डिनेट को आश्रित बोलते हैं। मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले वाक्य में प्रयास करेंगे यह जानने का कि इसमें प्रधान क्या है और आश्रित क्या है। ये जो वाक्य है वो ये किस तरह का, संयुक्त है या मिश्र है, कैसा वाक्य है? ये जो वाक्य है आप चार वाक्य मैंने रखा था, ये संयुक्त है या मिश्र है? संयुक्त है, ये मिश्र में आएगा। क्यों? संयुक्त में दो उपखंड हो सकते हैं, सरल वाक्य में सिर्फ एक उपखंड होता है, संयुक्त में दो उपखंड होंगे और मिश्र में 2-3-4-5 भी रह सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा हट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानकारी मिल गई कि यह वाक्य किस तरह का है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। मिश्र का मतलब लंबा चौड़ा वाक्य है, यहां तक स्पष्ट है? फिर आगे बढ़ू इसको मिटा करके, बढ़ू हाँ ना? ठीक है। अब ये जो वाक्य है, तो अब उदाहरण के लिए जैसे अगर आप कहेंगे कि ये प्रधान उपवाक्य है, तो प्रधान उपवाक्य का मतलब क्या होता है कि ऐसा वाक्य जो अपने आप में परिपूर्ण हो वह प्रधान होता है, और उसके साथ जो उस पर आश्रित होता है, मतलब प्रधान के बगैर उसका काम न चले,
वह क्या होता है, आसिन उपवास होता है। अब जैसे ये वाक्य देखिए, मानव जीवन का उद्देश्य, थोड़ा सा कैमरा घुमाता हूं फिर उस पर ले चलता हूं आपको। देखिए ये जो वाक्य है, मानव जीवन का उद्देश्य, यह प्रधान उपवाक्य है या आश्रित है? ये वाक्य क्या मानेंगे आप? प्रधान है। उद्देश्य मतलब ये अपने आप में परिपूर्ण है, इसमें कुछ ना जोड़े तो सही जाएगा ना, प्रधान तो वही हो रहा है। ये सर कैसे, हाँ, मानव जीवन का उद्देश्य अधूरा है, आश्रित है, ठीक है। तो इस आश्रित उपवाक्य का कोई प्रधान उपवाक्य होगा या नहीं होगा? आपको इसमें सबसे पहले तलाश करना है ऐसा वाक्य जो इसको सपोर्ट करे, या फिर जो इसका चाचा हो, बाप हो, मतलब जिसके ऊपर वो आधारित हो, उससे हमें इसको जोड़ना है। तो किस वाक्य से पहले जोड़ेंगे? अगर मैं ये वाक्य लिखूं, आत्मदर्शन है, ये सही होता है गलत होता है बताएं? अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ दीजिए, मानव जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है, यह वाक्य अपने आप में पूरा होता है कि नहीं होता है? यस सर, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मानव जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है, इसके बाद बाकी वाक्यों को अगर हम ढक भी देते हैं ना, एक मिनट सुन लीजिएगा, बाकी बात मत करिए, बाकी वाक्यों को अगर हम ढक लेते हैं तब भी यह वाक्य अपने आप में पूरा होता है या नहीं है? पहला सूत्र ये है कि आप जोड़ने का प्रयास, लिख सकते हैं आप, पहला सूत्र ये है कि आप जोड़ने का प्रयास करेंगे और एक से दो वाक्य को जोड़ करके प्रयास करेंगे कि एक संपूर्ण वाक्य बन जाए, और यहां हमारा पहला वाक्य ला देने से यह संपूर्ण वाक्य बन गया। बात समझ में आई नहीं आई? किसी को संदेह हो तो बताएं इस इन दो वाक्यों में। अरे बोलिए कोई। किसको नहीं समझ में आया वो बताएं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, मान लिया गया सबके समझ में आ गया। तो इस आधार पे अगर हम इसको चिन्हित करें तो मानव जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है, इस आधार पर मेरे विचार से ये जो है लॉ है या तीन नंबर है, ये पहला वाक्य होगा यहाँ से। अब दूसरा सूत्र कहता है व्याकरण का कि जब आपको एक वाक्य सरल वाक्य मिल गया तो आप उसमें संयुक्त वाक्य ढूंढेंगे। अब उस वाक्य को संयुक्त करने का प्रयास करेंगे। संयुक्त वाक्य कैसे होता है? अंग्रेजी में हम आते हैं, अंग्रेजी में दो वाक्य कैसे जोड़े जाते हैं? एंड लगा एंड या बट एंड लगाते हैं, संयोजक लगाकर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संयोजक का प्रयोग करते हैं। हाँ, संयोजक मतलब एंड होता है जी सर। किसी का माइक ऑन है, बंद कर दीजिएगा। तो अब हम यहाँ ये सोचेंगे एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, और अब हम ये देखेंगे क्योंकि हमें दूसरा वाक्य जोड़ना है, रेल के डब्बे में दूसरा डब्बा जोड़ना है, तो जोड़ना है तो कौन सा वाक्य, कौन सा जोड़ने वाला क्या बोलते हैं, कंजंक्शन प्रीपोजिशन क्या ले आएंगे? तो और हमें मिला ये बेचारा है, ये जो जोड़ सकता है, और किसी और में भी है क्या बताएं, है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस आधार पर ये जो दूसरा नंबर है, ये जो दूसरा वाक्य है, इसको हम जोड़ करके देखते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है और उसकी सिद्धि का। अब ये का क्या बनता है यहाँ हिंदी व्याकरण के अनुसार, ये का क्या है? संबंध बोधक कारक हो गया। तो ये जो कारक चिन्ह है, अब संबंध किसका बता रहा है, चाचा मामा का, या एक शब्द से दूसरे शब्द का, या एक वाक्य से दूसरे वाक्य का? एकदम आराम से चुटकी में हो जाएगा, आप लोग बहुत देरी कर रहे हैं। एक वाक्य से दूसरे वाक्य का क्या है? अब एक वाक्य से अगर हम दूसरे वाक्य को जोड़ने का प्रयास करें तो सिद्धि का क्या, फिर हम पूछेंगे ये क्या क्या चीज है, तो सिद्धि का इसमें क्या हमें क्या दिखा, ये मुख्य एवं एकमात्र ये क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्या आएगा? एकमात्र ये संख्यावाचक विशेषण में आता है ना, संख्यावाचक विशेषण होता है क्या? संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, ये नहीं होगा। बोलिए कौन कह रहे हैं नहीं होगा? होता है, होता है, होगा होगा। मैं भी कंफ्यूज।
समझ में आ रहा है ना? हाँ है ना जी सर? जी सर आ रहा है। अब ये जो का हो गया, का वाले वाक्य से मुख्य एवं एकमात्र उद्देश्य यहाँ दिख रहा है ना, तो का के साथ हम इसको जोड़ देंगे और इसके बाद फिर बच क्या गया, जो बचा उसको फिर आगे जोड़ दीजिए रेल के डब्बे में, बचा परमार्थिक भाव से। इसके बाद जो ये जो मानव जीवन है ना, इसके बाद वाला जो अंश है वो कहीं यहाँ खोया हुआ है। ये एक तरीका हुआ है जिस तरीके से आप वाक्य को लिंक कर सकते हैं और वाक्य में संबंध जोड़ते हुए वाक्य को सजा सकते हैं। ये पहला तरीका है। समझ में आई बात या नहीं आई? फिर दूसरे तरीके पर बढ़ू मैं। सर आ गई, ठीक है। चलिए फिर मैं आगे बात करूं, इसके बाद इसको मैं मिटाता हूं, फिर कुछ और सूत्र मैं बताता हूं आपको। सूत्र बताने से पहले एक वाक्य लिखता हूं और उस वाक्य से आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमेशा मैं एक साधारण सा वाक्य बोलता हूं, मैं हमेशा आपको साधारण वाक्य यह बताता हूं, राम ने, पहला वाक्य मैं बोलता हूं राम ने रावण को मारा। अगर यह क्रम याद रहेगा आपको तो आप आगे भी कर सकते हैं, राम ने रावण को मारा, उसके बाद फिर मैं दूसरा वाक्य वही साथ में बोलता हूं कि राम ने सीता के लिए रावण को मारा। फिर इसके बाद मैं यह वाक्य पूरा दोहराता हूं, राम ने सीता के लिए रावण को तीर से मारा। ये तीन वाक्य हर दम मैं बताता हूं आप लोगों को नोट कर लेने के लिए। याद है किसी को? या ना याद हो तो यह क्रम आप लोग लिख लें। अब यहां देखिए राम इसमें क्या है, किसी भी वाक्य में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हिंदी की वाक्य संरचना, स्पीकर ऑफ कर लीजिए, हिंदी के जो वाक्य संरचना यदि आप देखेंगे तो हिंदी के वाक्य संरचना में सबसे पहले कर्ता ले आते हैं, फिर कर्म लाते हैं, कर्ता कर्म, उसके बाद क्या आता है क्रिया। ये साधारण सी प्रक्रिया है, कर्ता कर्म क्रिया। उसके बाद अगर फिर आप बढ़े तो ये नीचे वाला लाइन देख पा रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद अपादान संप्रदान क्या आएगा, करण से, उसके बाद के लिए, उसके बाद जो भी हो अपादान से, ठीक है, से या फिर स्थान लंका में, ठीक है, से पर यहाँ आ जाता है और इसके बाद वाक्य का क्रम आपका पूरा होता है। तो वाक्य का यह जो क्रम है इस क्रम को आप लोग एक बार लिख लें, नहीं लिखे हैं तो दिमाग में लिख लीजिए। अब जब आपके पास कोई भी इस तरह का वाक्य आता है तो उस वाक्य में आप सबसे पहले ढूंढेंगे कर्ता कौन है, तो कर्ता जिस पंक्ति में होगी वह पंक्ति सबसे पहले होगी। कर्ता ने के साथ कर्ता जुड़ा रहता है, कर्ता के बाद आप फिर कर्म ढूंढेंगे, कर्म को के आधार पर ढूंढ सकते हैं, फिर करण ढूंढेंगे, कर्ता कर्म और करण, ये तीनों अगर अलग अलग वाक्यों में है तो तीनों को जोड़ देंगे तो आपका वाक्य अपने आप सही दिशा में बैठ जाएगा। यहां तक स्पष्ट है? मिटाऊं फिर आगे दूसरा वाक्य लिखूं मैं? बोलिए जी सर। एक मिनट चलिए अब, हाँ बोलिए सर, लिख रहे थे थोड़ा सा, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये जो वीडियो है ये मैं लाइव कर दूंगा, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं जिनका छूट गया है, ठीक है, ये आज की चर्चा ओपन टू ऑल रहेगी, ठीक है, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े मिटाए क्योंकि फिर समय अधिक लगेगा और घड़ी, इस कमरे में घड़ी नहीं है तो पता चला रात हो गई और डेटा खत्म, जिनको ऑफिस जाना है वही परेशान होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा वाक्य लिखता हूं, आणविक अस्त्रों के विरोध में आज थोड़ा सा समय मैं ले सकता हूं तो आप लोग प्रयास करिएगा, जुड़े रहिए, अंग्रेजी वाला भी अंश मैं खत्म करूंगा। आणविक अस्त्रों, देख पा रहे हैं ना, आणविक अस्त्रों के विरोध में, यह पहला वाक्य है, ये पेस्ट भी है। हाँ तो मुझे याद दिला दीजिएगा, 10 बजने लगेगा तो आप लोग मूव कर जाइएगा, ठीक है, या फिर टेस्ट कल ले लीजिएगा। आणविक अस्त्रों के विरोध में
पहला है योर नंबर उद्घाटन, क्योंकि यह वाला सत्र अगर छूट गया तो दिक्कत में पड़ेंगे आप लोग। राइस को बोल दीजिए उसको कल कर लें, करते हुए मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में चिंता दूंगा जी। हाँ, आणविक अस्त्रों के विरोध में उद्घाटन करते हुए राजेंद्र बाबू ने भारत को लिखते चले आप लोग। राजेंद्र बाबू ने भारत को, ये पहला वाक्य है, ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य कहता है कि अपनी सेनाएं विघटित कर दे तो, अपनी सेनाएं सेनाएं विघटित कर दे तो, अपनी सेनाएं विघटित कर दे तो, ये दूसरा वाक्य है। उसके बाद तीसरा वाक्य आता है, ये य नहीं होगा ए होगा, क्योंकि क्रिया रूप होता है तब हम लोग य लिखते हैं। यह सुझाव दिया था कि, यह सुझाव कॉपी में लिखते रहिएगा, दिया, यह सुझाव दिया था कि य र ल व अंतिम वाक्य है। दिल्ली में जो सार्वभौम समारोह हुआ था, दिल्ली में जो सार्वभौम, सार्वभौम क्या होता है, सार्वभौम क्या होता है, आवाज आ रही है? यूनिवर्सल सर, यूनिवर्सल। हिंदी में बता रहे हैं आप लोग, यूनिवर्सल हिंदी का शब्द है ना? जी सर। हाँ, हिंदी का शब्द है, बहुत सुंदर है, हम हिंदी वाले कितने उदार हैं, ठीक है सर। वो व्याप्त, सर्वव्यापी या सबके लिए, यह है पहला वाक्य। और अंतिम वाक्य है वो ऊपर लिखता हूँ, इससे संसार को एक नया रास्ता मिल सकता है। सर अंतिम वाक्य थोड़ा बोल दीजिएगा सर, इससे संसार को, ऊपर लिख भी रहा हूँ राहुल जी, इसी का रास्ता लीजिए, एक नया रास्ता मिल सकता है। ठीक है, लिखावट थोड़ी गड़बड़ा रही है, चलिए ये अंतिम वाक्य है, छठा वाक्य। अब इन दोनों वाक्य के बीच में इन चारों को लगाना है, आप लोग प्रयास करें, 2 मिनट का समय देता हूं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा। सर सुझाव के बाद क्या लिखे, सर सुझाव दिया था कि, कौन से लाइन में, नीचे वाला सर, वो नंबर भारत को, हाँ सुझाव दिया था कि, उसके बाद, यह सुझाव दिया था कि, उसके बाद दूसरी लाइन है वो नंबर, दिल्ली में जो सार्वभौम समारोह हुआ था। अच्छा ठीक है सर, दिल्ली में जो सार्वभौम, सार्वभौम क्या बोले सर, सम्मान हुआ था, समारोह, समारोह सर। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, हुआ? अरे बोलिए आप लोग। जी सर, यस सर, हो गया, लिख लिया। हाँ तो लिख लिए, तो अब उसको सजाइए भी, इतना समय नहीं रहता परीक्षा में, परीक्षा में इतना समय रहता है कि आपके पास सम सेकेंड्स रहते हैं बस। चलिए बात करें हम इस पर, देखिए ये जो वाक्य मैंने लिखा है, बताइए पहले कौन सा आएगा, आणविक अस्त्रों के विरोध में क्या आएगा बताइए, नहीं सुन पाए फिर से बोलिए, वो बहुत हो गया, वेरी गुड। उसके बाद वो के बाद बहुत सुंदर, ठीक है बहुत सुंदर, आगे ल, ल
लॉ बहुत सुंदर, उसके बाद रॉ खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा किसी को आपत्ति है कि यह तरीका गलत है इनका? नहीं सर। नहीं, अरे कोई तो बोलिए, कोई तो विरोध करिए। हाँ तो अच्छी बात का विरोध भारत में खूब होता है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सर सही से लग रहा है, सेंटेंस नहीं बैठ रहा, नहीं बैठा एक एक करके बोलिए, एक एक करके। हाँ एक एक, लक्ष्मण पहले बोलिए, क्या होना चाहिए लक्ष्मण जी? सर जैसे पहले सेंटेंस की वाक्य है कि आणविक अस्त्रों के विरोध में, हाँ ये तो रहेगा, ये नहीं हटेगा। हाँ आगे, हाँ तो सर इसके बाद होगा दिल्ली में जो सार्वभौम समारोह हुआ था, चलिए आगे। फिर हुआ होगा सर उद्घाटन करते हुए राजेंद्र बाबू ने भारत को, तो आप भी तो वैसे जा रहे हैं। हाँ भारत को, चलिए मैं और किसी को आपत्ति है? अंकिता को बोल रहा था, अंकिता समय नहीं, इतना मत सोचिए, बैठ नहीं रहा सर। वा और या जो समारोह हुआ था उसका या तो होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले तो यह मान के चलिए कि अब मैं सुना देता हूँ, छोड़ दीजिए, अब मैं सुना देता हूँ। आप लोग बड़ा समय ले रहे हैं, इतना समय लेंगे ना तो मास्टर भाग जाएगा परीक्षा वाला, ठीक है। अब नोट कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा सा कैमरा पीछे करता हूँ और थोड़ा मुझे भी देख लेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आ जाऊं सामने, हाँ दिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तब आई कॉन्टेक्ट बनेगा ना, बोलते हैं कि दुश्मन के आंख में आंख डाल के बात करना चाहिए, इसलिए आप लोग हमारी आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो अनुवाद में जब मैं आपको सिखाता हूँ तो मैंने आपको एक सूत्र दिया था वाक्य संरचना का, उसमें मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या आना चाहिए? स्थान, समय, अरे कर्ता और गर्य तो ठीक है, स्थान और समय के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैंने दो चीज बताया था, उद्देश्य, स्थान और समय, ये तीन चीजें भी आगे रहती हैं, याद है कि नहीं है? यस सर। यहाँ उद्देश्य में आपका बिल्कुल ये है, आणविक अस्त्रों के विरोध में यह उद्देश्य परिलक्षित हो रहा है, आपको दिख रहा है उद्देश्य है, ठीक है ना? यह जो वाक्य है जी सर, यह उद्देश्य है। अब उद्देश्य अगर सफल रहा तो उद्देश्य के बाद हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें स्थान या समय लेना पड़ेगा। तो उद्देश्य के बाद पहला क्या आता है? स्थान आता है। तो इस हिसाब से दिल्ली में जो सार्वभौम समारोह हुआ था यह स्थान हुआ हाँ या ना? यस सर। वाक्य संरचना मैंने बहुत ठोक ठोक पढ़ाया था आप लोगों को, तो ये आणविक अस्त्रों के साथ स्थान हमने ले लिया, ठीक है। स्थान के बाद क्या होगा? स्थान के बाद किसी भी वाक्य में सबसे पहले कर्ता और कर्म वाली बातें आती है ना, या नहीं आती है? अब हम इस वाक्य में ढूंढेंगे कि इसमें कर्ता कौन है, ये सारी कहानी किसने कहा है, तो हमें पता चलेगा किसने कहा है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा है, क्लियर है? स्थान के बाद हम कर्ता ढूंढेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है ना? नहीं सर। उसके बाद कर्ता कुछ कहता भी है कि नहीं कहता है, या मौन रहता है? क्या लगता है आपको, कर्ता मौन रहता है या कुछ बोलता है? बोलता है। तो कर्ता ने कुछ बोला है, कर्ता ने कुछ बोला है, क्या बोला है? तो यह सुझाव दिया था, ये बोलने वाली क्रिया या बोलने वाला जो एक्शन है वो उसके बाद ही आएगा ना, नहीं आएगा? सर जो राजेंद्र बाबू ने उद्घाटन जो शब्द आना चाहिए, जैसे है दिल्ली में जो सार्वभौम समारोह हुआ था उसका उद्घाटन, उसका आप बोलना चाह रही हैं? चलिए उसका लिख देते हैं आपके लिए, नहीं लिया तो लोग समझ गए, ठीक है। कई बार क्या होता है, हाँ बोलिए बोलिए सर, समझ में आ रहा था कि उद्घाटन कर, लेकिन वही यहाँ पर जो उसका या इसका कोई वर्ड प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है, पहले कहीं किसी परीक्षा में आया हुआ है ये, उसमें उसका शब्द है ही नहीं, आप अपनी तरफ से ना जोड़ें, फिर भी आपको सेंस क्लियर करना चाहिए कि कर्ता है तो सबसे पहले हमने स्थान वाला जो है विचार वो ले लिया, तो उसके बाद कर्ता वाला विचार बचा कि नहीं बचा, हाँ या ना? तो हम कर्ता को ले आएंगे, उसका उसी में नहीं उलझेंगे। ये दो लाइन मैं आपकी क्लियर कर पाया, और जब कर्ता है तो कर्ता कुछ करता है ना, क्या करता है? मंगला बोलते हैं, बोलता को क्या बोलता है? तो वो सुझाव दिया, तो ये सुझाव दिया गया,
अब जब हमें एक दो तीन मिल गया तो चौथा अपने आप मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी सर। तो आपको यह दूसरा सूत्र भी ध्यान रखना है कि जब आप वाक्य संरचना करें तो वाक्य संरचना में सबसे पहले आपको क्या लेना है, क्या लेना है बोलिए? उद्देश्य लेना है। उद्देश्य हमें पहले वाक्य में मिल गया है, उसको हिलाना नहीं। उद्देश्य के बाद फिर हमें स्थान या समय, और स्थान और समय उसके बाद कर्ता। तो स्थान अलग से है तो इसको लिया, और फिर उसके बाद कर्ता। कर्ता जो बोल रहा है वो वक्तव्य, और वक्तव्य के बाद कर दिया हमने, बात खत्म हो गई। कोई असुविधा हुई इसमें बताएं, किसी को कोई दिक्कत हो मेरे इस तर्क में, कोई आपत्ति हो तो बताएं, फिर हम आगे बढ़े। तीसरा सूत्र मैं देने जा रहा हूं। तो आपके आपके समक्ष जब भी ऐसे वाक्य आते हैं तो आप वाक्य संरचना का वह सूत्र जरूर लेंगे। इसके अलावा मैंने अभी इस तरफ लिख करके आपको बताया कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का भी जोड़ बनाएंगे। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य मैंने पहचान आप लोगों को अच्छी तरह से सिखा दिया है, थोक बजा के सिखा दिया है कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य एक साथ चलेंगे। और उसके बाद मैंने आपको संयोजक चिन्ह भी बताया है, जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं संयोजक चिन्ह को? कंजंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से कंजंक्शन जो है, अब जैसे ये को है, को कारक चिन्ह है, तो को के साथ कुछ जुड़ेगा, ये कंजंक्शन की तरफ जाके जुड़ गया, और को के बाद अक्सर यह आता है जो कथन होता है। तो इस तरह से इन वाक्यों को आप सजा के लिख सकते हैं। मुझे लगता है यहां तक बात मैं स्पष्ट कर पाया आप लोगों को। आगे बढ़े विदाउट को, ठीक है। कुछ और चीजें मैं बताऊंगा, अब थोड़ी सी मैं अंग्रेजी भाषा की ओर बढ़ूंगा। जैसे अंग्रेजी हिंदी में आपने सीखा ना, इसी तरह से अंग्रेजी भाषा में भी जब हम वाक्य संरचना करते हैं तो वाक्य संरचना में मैं कई बार आपको बता चुका हूं क्या चलता है, एस वी और ओ, यह क्रम चलता है। हाँ या ना, किसी को डाउट हो तो बोले। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अगर कहूं राम लिसंस टू म्यूजिक, अब इसमें आप मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है? राम राम राम, ये सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है इसमें? लिसन। म्यूजिक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की पहचान मैंने बताई थी, सब्जेक्ट स्पीकर ऑफ करिए, कोई स्पीकर किसी कौन है, मैंने यह बताया। अरे इतना ट्विस्ट मत बताइए। सब्जेक्ट के अलावा जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वह ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। प्रभाव वाव पढ़ना तो मेरे जैसा विद्यार्थी समझ ना पाए कई बार, ठीक है। तो आपको यह चीज पता ही है, राम लिसंस टू म्यूजिक, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। अगर मैं मान लीजिए इसमें एक शब्द और जोड़ दूं, यहां मैं कर दूं वेस्टर्न, ये वेस्टर्न सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये क्या है वेस्टर्न? अगर मैं म्यूजिक के पहले लगा देता हूं तो ये क्या बनेगा म्यूजिक का? एडजेक्टिव। इसका मतलब है विशेषण। तो मैंने सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट के पहले मैं एडजेक्टिव। ये वाक्य का क्रम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राम लिसंस टू वेस्टर्न म्यूजिक, अब इसके आगे मैं लाउड लगा दूं या लाउडर लगा दूं, ये लाउडर शब्द क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। एक चीज याद दीजिएगा, हाँ बोलिए, अगर लाउडर म्यूजिक को एक शब्द, लाउडर वेस्टर्न को एक शब्द मानेंगे तब तो ये इसमें एडजेक्टिव में जाएगा, नहीं तो एडवर्ब में आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो स्थान है वो अपने स्थान पर है, वर्ब का स्थान अपनी जगह पे है, और बाकी चीजें इसके साथ जुड़ती चली जाती हैं, ठीक है। इसी क्रम में इसको मिटा रहा हूं मैं, इसी क्रम में हम जैसे क्लॉज की बात कर रहे थे, क्लॉज का मतलब होता है एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा और एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ये पोजिशन बदल सकती है। इन दोनों को जोड़ने के लिए कई बार कंजंक्शन का प्रयोग होता है, होता है नहीं होता है? जी सर होता है। जी सर अच्छा बस स्पीकर ऑफ कर लीजिए। और ये जो क्लॉज है इसका नियम है, इसमें एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है।
अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब नहीं है तो फिर यह क्लॉज नहीं बनेगा, मतलब वाक्य का खंड नहीं बनेगा। और जब हम लोग वाक्य जंबल सेंटेंस को पहचानने का प्रयास करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें देखते हैं कि इसमें दो क्लॉज डिवाइडेड है या नहीं, मतलब इसमें ये जो कंजंक्शन है इसका बहुत बड़ा रोल है, एंड बट या जो भी इस तरह के जो शब्द हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। और हम इससे पहचानते हैं लिंकिंग वर्ड, मतलब इस वाक्य का अंतिम शब्द और इस वाक्य का पहला शब्द और बीच में कौन जुड़ेगा। स्पष्ट है, आगे बढ़ू मैं? जी सर, जी सर, है ना। अब क्लॉज को अगर आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा होगा तो क्लॉज में आपको एक चीज आता है, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अब पहले मैंने आपको वाक्य संरचना बताया, वाक्य संरचना से मैं थोड़ा सा आपको क्लॉज की तरफ इसलिए जानबूझ के लाया कि आप थोड़ा सा इसमें और कुछ समझ पाएंगे। नाउन क्लॉज है, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है। तीन क्लॉज खाली आप देख लीजिए, कंफ्यूज ना हो। साधारण शब्दों में अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो नाउन क्लॉज का मतलब होता है वाक्य का वह खंड जो नाउन जैसा एक्टिव रहे या नाउन का काम करे। सेम एडजेक्टिव का भी वही होता है और एडवर्ब का भी वही होता है, मतलब वाक्य का यह खंड नाउन की तरह काम करेगा या फिर एडजेक्टिव की तरफ या एडवर्ब की तरफ। क्लियर है? जी सर। कोई डाउट हो तो बोले, फिर हम आगे बताएं। नहीं डाउट है? अरे है तो पूछ लीजिए ना। हाँ बोलिए, उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको देखता हूं, आई यूज द नोटबुक दैट हैड या हैज कर लेते हैं इसको, दैट हैज ए रेड कलर, रेड कलर कवर। ये डॉक्टर की हैंडराइटिंग में थोड़ी पहचानने में दिक्कत होगी। ठीक है, आई यूज द नोटबुक दैट हैज ए रेड कलर कवर। आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन कौन सा क्लॉज बनता है। क्लॉज आप लोगों ने पढ़ा है ना, आप तो अंग्रेजी साथी से पढ़ते आ रहे हैं। तो लास्ट वाला रेड कलर्ड कवर एडजेक्टिव क्लॉज है। देखिए एक बिल्कुल सही है। चलिए मैं बताता हूँ, ये जो दैट है मैंने क्या बोला था, ये दैट क्या होगा वाक्य संरचना में, मैंने सी लिखा था, सी फॉर कनेक्टर, जोड़ता है ना दो वाक्यों को, मतलब कंजंक्शन हो गया। तो ये एक कंजंक्शन मान लेते हैं, कंजंक्शन के बाद वाला जो हिस्सा है दैट हैज ए रेड कलर कवर, मतलब क्या है उसका कवर कैसा है, कवर कैसा है, लाल है ना, तो लाल क्या बता रहा है, रेड है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषता मतलब एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव क्लॉज माना जाएगा, ये पूरा खंड एडजेक्टिव है और पहला वाला जो खंड है ये क्या है, आई यूज द नोटबुक, ये नाउन क्लॉज में आ जाएगा, आएगा ना, संज्ञा है, संज्ञा और विशेषण। विशेषण किसका बनता है, संज्ञा का या क्रिया का, क्रिया का विशेषण क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ये जो है नाउन क्लॉज है उसकी विशेषता। अब ये दो वाक्य हैं, अगर ऐसे वाक्य हैं और दैट है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या, दैट हैज अ रेड कलर कवर, आई यूज दैट नोटबुक, ऐसे लिखेंगे क्या? बीच बीच में थोड़ा सा मुझे बोलते रहिएगा, नहीं पता लगा आप लोग सो गए हैं। समझ में आई ये बात, ये एडजेक्टिव क्लॉज की बात। और ये जब जंबल सेंटेंस आप तैयार करते हैं ना तो उसमें ये बहुत जरूरी होता है कि आप वाक्य खंड पहचान पाए। नाउन मैंने बताया, नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो नाउन क्लॉज है इसको हम सब्जेक्ट क्लॉज मान लें थोड़ी देर के लिए, व्याकरण शास्त्र के है, इसको हम आगे ले लेंगे और उसके बाद वाला, चूंकि हमेशा विशेषण या फिर एडजेक्टिव नाउन के बाद लगता है, ये वाक्य संरचना का नियम कहता है, तो हम उसके अनुसार इसको सजा लेंगे। कोई दिक्कत होगी? नहीं सर। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है, दूसरे नियम की तरफ चले। एक और उदाहरण दे देता हूं फिर आपके समझ में और अच्छे से आ जाएगा। दूसरा उदाहरण आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं,
जैसे आई थिंक दैट लिख लीजिए, आई थिंक दैट यू विल लाइक इट। मैंने कहा ना दो वाक्य खंड है तो दोनों में वर्ब होगा आई थिंक और यू विल, थिंक और विल दोनों है ठीक है। इसमें ये जो यह वाला खंड है यू विल लाइक इट, ये अपने आप में क्या है इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए ये हम मानेंगे नाउन क्लॉज है ठीक है। इसी तरह से एक और वाक्य मैं आपको लेता हूं, वेयर सी इज ये वाक्य आप लोगों ने देखा होगा, बहुत देखा होगा, इज नॉट नोन टू मी, नोन टू मी समझ लीजिएगा हाँ, वेयर सी इज जो है अपने आप में परिपूर्ण है, इसको किसी साथी की जरूरत नहीं है, तो ये भी नाउन क्लॉज माना जाएगा, मतलब ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मुक्त है, ये नाउन क्लॉज में आएगा। आप लोग एक बार समय अगर हो आपके पास व्याकरण की किताब हो तो थोड़ा सा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आगे बढ़ो या यही छोड़ दू, नौ बताए अगर आनंद आ रहा है तो 10-15 मिनट और, नहीं आ रहा है तो नमस्ते जी, नहीं सर आ रहा है अरे सुन लीजिए ना, सब समझाएंगे, राजेश को एक मैसेज कर दीजिए कि क्विज बाद में ले लेंगे, कल ले लेंगे, आज पोस्टपोन रहेगा ठीक है। चलिए अब एडवर्ब क्लॉज भी बता दें, वेट हियर टिल आई कम बैक, वेट हियर टिल आई कम बैक, इसमें बताइए वेट हियर टिल आई कम बैक क्या है, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, एडवर्ब जो वर्ब में जोड़ा जाता है मतलब वर्ब की विशेषता बताता है, तो यहां हमने ये वर्ब क्या है, वेट हियर क्या है, वेट हियर ये आपका वर्ब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वर्ब की विशेषता जो बताता है ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। समझ आ रही बात, फिर मैं थोड़े से रूल और बता दूं फिर जंबल सेंटेंस में ले चलूंगा। सर क्या लिखे सर, मैं बताया डॉक्टर की हैंडराइटिंग नहीं समझ पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है स्पीकर ऑफ कर लीजिए राहुल जी, अब कंसंट्रेट कीजिए मैं जो बोलूंगा उसको लिखिए, वेट हियर टिल आई कम बैक, मैंने आपको बताया वेट हियर अपने आप में परिपूर्ण है, वेट हियर ये वर्ब के रूप में है, तो मैंने आपको यह बताया कि एडवर्ब हमेशा वर्ब की विशेषता बताता है, तो ये वर्ब की विशेषता टिल आई कम बैक जब तक मैं आता हूं तब तक यही रुको, तो ये एडवर्ब हो जाएगा और ये वर्ब हो जाएगा ठीक है, क्लियर है, मैं समझाने के लिए सिर्फ बोला हूँ वर्ब और राइट वर्ब जी सर ठीक है। चलिए ये एक सूत्र मैंने आपको दिया कि आप ये जो क्लॉज का जो बवाल है ये क्लॉज के अनुसार वाक्य की संरचना कर सकते हैं। दूसरा सूत्र बताऊं, पहले सूत्र आप लोग जान लें, प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि किसी वाक्य में एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है, ये लिखना चाहे तो लिख दें, रिपीटेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, रिपीट क्या होता है स्पेसिफिक वर्ड, पूरा नहीं लिख रहा हूं समय अधिक जाएगा, स्पेसिफिक वर्ड, जब कोई विशेष शब्द बार बार रिपीट होता है तब हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है फिर हम समझ करके उन शब्दों को एक साथ लिखना शुरू कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए योर ब्यूटी, स्मार्टनेस ठीक है, स्मार्टनेस ग्लोरी और तमाम जितने भी बाव भाव करेंगे, स्पेसिफिक वर्ड वर्ड को हम यहाँ ले लेंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, उस हिसाब से क्या होगा एडजेक्टिव के रूप में उसको हम ले सकते हैं, तो उनको हम प्रयास करेंगे उनको पास पास रखें, ये पहला रूल हो गया, क्लियर है हाँ या ना, पता नहीं हम लोग लगता है
अरे मैंने बताया नानी की तरह मुझे भी हाथ सुनने की आदत है, कहानी सुनाता हूँ तब, ये कहानी है ना, ठीक है। इसका तीसरा सूत्र लिखिए, अगर वाक्य में कोई नाम है, अगर किसी उसमें सेंटेंस में नाम है तो नाम हमेशा नाम वाला लाइन फर्स्ट होगा। इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। अब हिंदी में तो दूसरे तरह से हम लिखते हैं, अगर नाम है तो फिर ये पहला जाएगा, पहले पहले, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा सूत्र है यू एंड आई, ये लिख लीजिए आप लोग, आपके समझ में आ जाए तो यू एंड आई, ठीक है। इसके बाद दैट दीज और दोज, दैट दीज और दोज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है सर, रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है जी सर। तो यू एंड आई में इसी आता है, ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस कभी नहीं होंगे, ठीक है, ये फर्स्ट में नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यू एंड आई से हो या दैट दीज और दोज से अगर कोई वाक्य शुरू होता है वो पहले नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से बट, सो, नाउ, ऐसे वाक्य भी पहले नहीं आएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे। ये लिख लीजिए आप लोग, फिर अगला बताता हूं। ये तीन सूत्र मैंने आपको दिया, स्पष्ट हुआ हाँ या ना, नहीं हुआ ठीक है, मिटाता हूँ जी सर, हो गया, ओके। तो पहले पहला नेम आता है सर, तो दूसरा में क्या आता है सर, यू एंड आई आता है ना, दूसरा वाले जाएंगे, यू एंड आई दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, वो संदर्भ के अनुसार हम बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनिए अगला लिखिए, हाँ बोलिए, That, these, those जो लिखे थे उसके नीचे हाँ। लिखे तो दूसरा आ रहा था, क्या लिखे थे सर, That, these, बोले तो नहीं पाए ना, That, these, those के बाद मैंने but बोला so था, now. क्या सर, but so now. Now. But so now. But so now. But, so now. अब देखिए लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनिए, बोर्ड ना भी दिखे तो कोई बात नहीं, hence, finally और therefore, ये बहुत महत्वपूर्ण है, hence, finally, therefore, इन तीन शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य लास्ट होंगे, लिख लीजिए एलएसटी लास्ट, क्लियर है, फटाफट पांच मिनट और, हाँ जल्दी बोलिए, क्लियर ना हो तो फिर मैं बात खत्म करूंगा। हाँ ओके सर, ओके, एक बार बता दीजिए, वेरी गुड। देखिए हेंस फाइनली और देयरफॉर, ये जो तीन वाक्य हैं, तीन शब्द हैं, इनसे जो भी वाक्य शुरू होते हैं वो 99% अंतिम वाक्य होते हैं, कंक्लूडिंग पार्ट होता है ना, कंक्लूजन देते हैं, hence this will be this, hence that will be that, इस तरह से कंक्लूजन देते हैं। तो इन तीनों से शुरू होने वाले वाक्य हमेशा लास्ट होंगे, ये दिमाग में लिख के रख लीजिएगा। इसके बाद उसमें आ जाएगा, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, हाउएवर वगैरह बीच में आ जाता है, ठीक है। चलिए एक और अंतिम शब्द, लिंकिंग वर्ड, मैंने कई बार बताया आज, बताया नहीं बताया, हाँ सर, हाँ ना, यस सर, हाँ सर, लिंकिंग वर्ड, ट्रेन के डब्बे से जोड़ने वाले लिंकिंग वर्ड क्या क्या है, लिंकिंग वर्ड में आता है आपका आर्टिकल, आर्टिकल ए एन डी, उसके बाद एडजेक्टिव, ये लिख लीजिए, बोल रहा हूं देख ना पाए तब भी, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। रेलवे स्टेशन से जंक्शन आता है ना, तो आर्टिकल मैंने आपको बताया, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ये लिंकिंग वर्ड है। जब आप वाक्य संरचना देखें तो उसमें लिंकिंग वर्ड को ढूंढने का प्रयास करें, और जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया या फिर यहां भी इंग्लिश में जब मैं आपको क्लॉज बता रहा था एंड बट वगैरह से, तो वहां इनको जोड़ने वाले शब्दों को जरूर ढूंढिए, और उसके अनुसार फिर शब्दों को जोड़ करके उसके आगे पीछे वाले शब्दों को लेकर के आप काम चला सकते हैं। और ये अगर यह सूत्र आपको याद रह गया तो आप फटाफट फटाफट रीअरेंजमेंट कर लेंगे। क्या लगता है, यहां तक थोड़ा बहुत समझ आता है, एग्जाम्पल, आज नहीं रात 10 हो गई है, थक गया हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज, टेस्ट सेट
हो सकता है आज या फिर कल आपको 30-40 या फिर 20-25 प्रश्न आपको भेजा जाएगा। बोलिए सर, ये कौन बोल रहे हैं? रविंदर जी बोलिए सर। ये आर्टिकल राहुल एजमेंट सर, ये जो लिंकिंग वर्ड है, हाँ तो सर इसका सीक्वेंस सुन रहा हूँ, इसका सीक्वेंस रेपिटली कौन, तो मैंने अभी तब से तो मैं बता ही रहा था इसका सीक्वेंस क्या होगा। जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है, वो दो शब्दों के, दो वाक्यों के बीच में रहेगा ना, उसका पोजीशन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। उसी के लिए मैंने क्लॉज के ऊपर फोकस किया और शुरू से ही मैं क्लॉज बताता आ रहा हूँ। बीच में मैंने आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक वाक्य देता था और बोलता था इसमें नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव वर्ब का पोजीशन बताएं। याद है नहीं याद है? नहीं याद है तो एक बार जो नोट्स मैंने दिया था उसको देखिएगा, ठीक है? कुछ चीजें टाइटल ढूंढने का क्या तरीका है? टाइटल हमेशा गलत होता है। आज की चर्चा मुझे लगता है टाइटल से संबंधित नहीं थी ना? नहीं सर। एक दिन एक दिन एक विषय, एक बंधु एक गोली और एक विषय। बोलिए रविंदर जी बोलिए, क्योंकि चर्चा बढ़ जाएगी ना, 10 बजे है, मैं सवेरे से धक्का खा रहा हूँ। रविंदर जी बोलिए जल्दी। इट से भी स्टार्ट नहीं होता ना सर, कभी कभार इट से तो होता ही नहीं ना सर, इट सर, इट से मैंने बताया ना, वो तो आपको मैंने लिखा है कि ऐसा शब्द नहीं बनेगा, इट से नहीं होगा। 3-4 शब्द दिया, और किसी को कोई संदेह हो तो बताएं, फिर हम समापन की ओर बढ़े। देखिए मैं अधिक चर्चा में इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ कि 10 बजने जा रहा है, डेटा का ही प्रॉब्लम होगा और मैं ट्रेन में 1.5 घंटा बहुत लड़ झगड़ के घुसता हूँ, क्योंकि अगर आप लड़ झगड़ के नहीं घुसेंगे तो आप स्टेशन पे खड़े रह जाएंगे रात भर। कलकत्ते की यात्रा बहुत मजेदार होती है और वहां से आने के बाद सिर्फ 2 रोटी खाया हूँ और आपके साथ हूँ। भूख भी आप लोगों को भी लग रही, मुझे भी लग रही होगी, तो इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और स्पेसिफिक टॉपिक पे रहेंगे। कल कौन सा दिन है? कल कल फ्राइडे है, तो अगर संभव हो पाया, ठीक है, अगर संभव हो पाया तो मैं बताऊंगा कल, फिर एक चर्चा करेंगे, और संभव नहीं हो पाया तो फिर दूसरे दिन करेंगे। सैटरडे तो है ही हमारे साथ, ठीक है।